उस छोरी का प्लान जो है वो सफल हो जावे। तेरे कहने की वजह से मन ने अपना आखिरी हार उसने दे दिया। एक ही हार बचा था मेरे पास। अरे हर बात का इल्जाम मारे पे ना धरा कर। जो तू भी तो चाहे से कि जो पता चढ़े के सच के तो सुन मेरी बात, जरा रिलैक्स रे। जो मेनका का प्लान सफल हो जाए ना तो अपने ने पता चल जाए कि यो छोरी देवांशी से कि नहीं। हो जावे सफल। व्हाट्स अ प्रॉब्लम गाइस? तुम लोग मेरे रूम में आके मुझसे बात नहीं कर सकते? काम करते वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब करे, आई जस्ट डोंट लाइक इट। एक तो ना आप तमीज से बात किया करो जरा। हाँ। कोई मामूली लोग ना से हम, गांव में अच्छी खासी इज्जत से। या सब पता है कितनी इज्जत है तुम्हारी। अरे बहुत सी स्टोरी सुनी है मैंने तुम्हारी। वो क्या कहते हैं जादू वादू एंड ऑल, अरे घटिया मैजिक ट्रिक्स, कैसे तुम उससे सबको बेवकूफ बनाती हो सब पता है मुझे। ये कि तुम्हारा चमचा मोहन हर वक्त तुम्हारी हेल्प ही तो करता रहता है। आई नो एवरीथिंग। एए, चमचा किस? डोंट डेयर टू कम फॉरवर्ड, स्टे अवे, वरना एक औरत की मॉडेस्टी के अगेंस्ट जाने के जुर्म में सेक्शन 354 एंड 354 ए का केस दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। देख लेना, हम साबित करके रहेंगे कि वो कागज फर्जी सा है। Really? तुम्हारे पास ओरिजिनल पेपर्स है क्या? अब देख कैसे ये बर्फ का पानी तेरी असलियत सबके सामने लावे से छोड़ी। अगर तू सच में देवांशी से है तो ये ठंडा पानी पड़ते ही तेरे मुंह से अपनी भाषा निकल जाएगी। Educated woman, how dare you? I'll throw you out of the house. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ? एक सेकेंड, ये तुम तीनों का प्लान ही था ना मुझे वो देवांशी साबित करने के लिए? Now I get. तुम लोगों को क्या लगा कि ये पानी गिरते ही मैं तुम लोगों की लैंग्वेज में बोलने लग जाऊंगी? भाई तभी बहुत ही घटिया प्लान था तुम लोगों का, but now it's over. मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इसने बोला था ये सब करने के लिए। वाओ, what a pretty neck piece. काफी कॉस्टली लग रहा है हाँ? सुपर्ब। यो क्यों ले रही से आप उसके गले से? क्यों ले रही हूँ? ये जो डिजाइनर ड्रेस देख रही हूँ ना, उसे खराब करने की कीमत है। इतना हिसाब बराबर। बाय द वे, थैंक्स फॉर द नेक पीस। हार बचा था वो भी ले गई वो छोरी। ये अगर ज्यादा आनाकानी करी तो लगा देगी कानून की एक और धारा। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, ना तुझे घटिया प्लान बनाती और ना ये होता। पानी डाल देंगे, अब आग लगा दे अगली बार। खुद को संभालने के लिए तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं है, खुद अपने पैरों पर खड़ी भी रह सकती हूँ और खुद को संभाल भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप अपना ध्यान रख सकती हैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं उन लोगों का भी ध्यान रखता हूँ जो मेरे से नफरत करते हैं, इसलिए आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। वाओ, इतनी केयर,
लोगों की इतनी केयर, तो केयर तब कहाँ चली गई थी जब तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे होने वाले बच्चे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब तो तुमने उन दोनों को छोड़ दिया था। क्या है कि गांव में बहुत सी स्टोरीज चलती रहती है, तो सब ऐसे ही पता चल जाता है। मेरे जाती मामले में ना ही बने तो अच्छा है। और स्टोरी शायद आपने एक साइड की सुनी होगी। जिस बीवी की आप बात कर रही है ना, जिसकी बदकिस्मती से आपसे शक्ल मिलती है, नफरत करता हूं उससे। धोखा दिया था उसने मुझे, और वो बच्चा भी मेरा नहीं था। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टेल मी अबाउट द रेस, क्या हुआ उसका जिसे जीतने का तुमने चैलेंज लिया था? हार गए या तुम्हारे चेहरे पे हार साफ नजर आ रही है। हाँ। खैर कोई बात नहीं, रूल्स आर रूल्स। और जैसे कि हमने डिसाइड किया था, अगर तुम हार गए तो तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। राइट। तो अब हाँ, तुम्हारा जो स्टेबल है, अस्तबल, हाँ, वो आज से मेरा हुआ। ऐसे क्या देख रहे हो? यही तो डिसाइड हुआ था कि मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। सो इट्स डिसाइडेड, आज से तुम्हारा स्टेबल मेरा हुआ। अब तुम जुबान से पीछे नहीं हट सकते। ठीक है। आप शर्त जीत चुकी हैं। आज से वो अस्तबल आपका। थैंक यू। ये तुमने पहना नहीं अब तक? अरे मैं तो कहती हूँ अब तो तुम्हें इसे पहन नहीं लेना चाहिए। देखो ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हैसियत एक नौकर जैसी हो गई है। सो इट्स बेटर कि तुम ये नौकर वाले कपड़े भी पहन लो। लो। गो गो, पहन के दिखा दो। I'm waiting. एक नौकर के कपड़े पहनने पे तने इतनी बेइज्जती महसूस हो रही से वरदान, मेरे बारे में सोच। जब तने सबके सामने मन्ने जलील करया था कि हमारा बच्चा तेरा नहीं शिखर का से, सोच मन्ने कैसा लागया होवेगा। वाओ, ग्रेट, एकदम परफेक्ट। ऐसा लग रहा है कि ये कुर्ता बिल्कुल तुम्हारे लिए बना है। परफेक्ट। ठीक 15 मिनट में मेरे लिए जूस ले आना, और आने से पहले 2 बार नॉक करना। वरदान, ये सब क्यों हो रहा है? अस्तबल उस छोरी ने दे दिया, इतनी आसानी से हार मान जावेगा क्या? और ये सब कैसे है? नौकरों वाले कपड़े पहन रखे, ये कर रहा है तू? जबान दी थी उसको माँ, अगर हार गया तो जो बोलेगी करूंगा। जबान से पीछे कैसे हट सकूं? लेकिन अपनी इस बेइज्जती को नहीं भूलूंगा। जो अस्तबल उसने मुझसे छीना है उसे मैं वापस लेकर आऊंगा। मैं तेरी तकलीफ नहीं समझ सकूं प्रधान। जब से वो छोरी इस घर में आई से तन्ने दुख पे दुख दिए जा रहे से, और मन ने देख कुछ नहीं कर पा रहे। मन ने समझ नहीं लग रहा कि ईश्वर जी ने ये सब कुछ बेचा कब और उस छोरी के हाथ कैसे लग गया ये सब।
तो मान ना मान सब कुछ तेरे बाप की वजह से हो रहा है। खुद मर गया लेकिन हमें मुसीबत में डाल दिया। पापा के बारे में कुछ मत कहिएगा, सुन नहीं पाऊंगा। वरदान, मेरा बहुत मतलब नहीं था। अरे वो मेरे भी तो पति थे ना, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मुंह से निकल गया मैं। अरे वो के क्या है वो सारी नहीं माँ, आई एम सॉरी। उस छोरी ने रोकना पड़ेगा। मंदिर तोड़ना तो बहुत दूर की बात, मंदिर की एक ईंट भी नहीं हिलेगी। अब जल्दी चलिए माता कुसुम सुंदरी, कल्कि और उसके आदमी मंदिर के सारे सामान बाहर फेंक रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैया की मूर्ति को भी अभी कभी हटाने की बात कर रहे हैं। आप कुछ भी करो माता कुसुम सुंदरी, मंदिर को बचा लो। एक बात ध्यान रख ले, घुंघरू वाली मैया छोड़ेगी नहीं तन्ने, सजा मिलेगी तन्ने, बहुत बड़ा पाप करी से तू पाप। ए भाई मैं तन्ने पहले ही कह रहा हूँ, यो सब बहुत गलत हो रहा है, तू अड़ बीच में से। यो देखो ना, यो के कर दिया है वो मंदिर की हालत। खबरदार जो मेरे आदमियों को हाथ भी लगाया है तो। जेल जाओगे सीधा। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप, मैया का घर उजाड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो यो, अरे यो सब क्या हो रहा है, सब कुछ गलत है। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन मैया का अपमान नहीं होने दूंगी। हाँ तो दे दो, वो कुआ देख रही हो ना, मैंने सुना है कि बहुत गहरा है, जाओ खुद की अपनी जान दे दो, पर मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मेरी माँ से ज़बान संभाल के बात करिए। आवाज नीचे, सुनाई देता है बहरी नहीं हूँ, गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो, खड़े क्यों, जाओ मूर्ति लेकर आओ। गो मैं किसी ने मैया की मूर्ति ने हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। रुक जाओ, अगर ऐसा हो बेगा तो यो मैया की मूर्ति मंदिर से हमारी लाश पर से होके जावेगी। क्षमा खुई, आगे मत बढ़िएगा, मेरी माँ का अपमान मत करिएगा। हो गया तमाशा, कड़ी ड्रामा क्वीन। मारी बात सुनो, रुक जाओ, देखो यू अनर्थ मत करो।
मूर्ति ने मंदिर से बाहर मत निकालो ना, रुक जाओ, मत करो। तो क्या करियो माँ, इसके आगे इतना झुकने की जरूरत ना है। मैं बात कर रही हूँ ना, चुप रहे। देखो मत करो ऐसा तुम। अरे ना, क्यों अनर्थ मत करो। एक बार फिर से कह रही हूँ मैं, यो महापाप से महापाप। ओके फाइन, इस मूर्ति को यहां रखने की परमिशन दे देती हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है। अगर तुम लोग इस मूर्ति को यहां पर रखना चाहते हो तो मुझे मूर्ति का रेंट दो। रेंट जब तक दोगे मूर्ति तब तक यहां पर रहेगी। रेंट बंद, मूर्ति बाहर। जो के कह रही हैं आप, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मैया की मूर्ति मंदिर के अंदर रखने के वास्ते किराया देना पड़ेगा। ऑब्वियसली, मैं फ्री में तो अपनी जमीन पर ये मूर्ति रखने नहीं दूंगी। अब प्लीज जल्दी से बता दो वरना ये मूर्ति हटेगी अभी के अभी। हेलो निरंजन, क्या हुआ, हाथ उठाना चाहते हो? Come on, hit me. जी नहीं, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। ये औरत मर्द वाला लॉजिक ना अपने पास रखो। औरत हूं पर कमजोर नहीं। चलो चलो, I need your reply. जल्दी से बताओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। रेंट देने के लिए तैयार हो या नहीं? Yes or no? कोई सवाल ही पैदा। वरदान, मंजूर सर, हमने मूर्ति मंदिर में रखने के खातर किराया देना मंजूर सर। Well done. Great. ठीक है कह रही हूँ माँ। अरे इसकी हर बात आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं है। इस तरह कैसे झुक सकते हैं इसके आगे? चुप रहे। फिर मैं चुप नहीं रहूंगा। और डांट, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा तू? चुप हो जा। तो ठीक है, ये तय रहा कि मूर्ति अब यहीं पर रहेगी। पर यूं समझ लो कि इस मूर्ति की किस्मत मेरे हाथों में है। ये मंदिर तो यहीं पर रहेगा पर इस मंदिर के अंदर आने जाने की परमिशन किसी को नहीं मिलेगी। पर अगर फिर भी किसी को अगर दर्शन करने हैं तो एंट्री फीस 100 रुपए लगेंगे। क्या बकवास कर रही हैं आप? मंदिर है ये, कोई चिड़ियाघर या सर्कस नहीं जो अपनी दुकान लगा रही हैं आप। यहाँ पे लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, यहाँ पे पूजा करने आते हैं यहाँ पे। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। देख कुसुम सुंदरी, मैं कैसे तेरे तीर से तेरा ही शिकार करती हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरी इज्जत के ऐसे टुकड़े करूंगी कि 7 जन्म में भी तू भूल नहीं पावेगी। शोर मचा रही हो आप? पोती कौन है हम सबने मंदिर के अंदर जाने से रोकने वाली? यो टिकट खरीदने का शर्त रख के अच्छा नहीं करया। अरे वो मेरा मंदिर है, I can do whatever I want. I mean, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तो मंदिर में जाने के पैसे वसूल करोगी तुम हम लोगों से? अरे हम लोग तो दिन में 3-3 बार मंदिर जावे हैं, तो कहाँ से लावेंगे 300 रुपए? अरे इस गाँव में तो ऐसे भी लोग है जिनकी 300 रुपए आमदनी भी ना है, वो क्या करेगा, दर्शन करके भूखा सोवेगा? यो तो इंसानियत ना हुई ना। यो अच्छा नहीं कर रही हो आप, बता दे रहे हम सब गांव वाले। Listen, I can't help it. मेरी ना वो तुम्हारी क्या नाम कुसुम सुंदरी, उससे बात हो गई है। उसने कहा है कि तुम लोग पैसा देने के लिए तैयार हो। अब उसने ऐसा क्यों कहा that I don't know. जाओ जाकर उसी से बात कर लो। कुसुम सुंदरी कौन होती है ये सब तय करने वाली, और आपकी बात को कैसे मान सके? I don't know. I mean, कुसुम सुंदरी ने खुद नहीं कहा है कि गांव वाले रेंट देने के लिए तैयार है? इब देख कुसुम सुंदरी, जो गांव वाले तेरा के हाल करते, इनको जीतने की बात कर रही थी ना तू, अब देख
मैं तेरी इस उम्मीद के कैसे टुकड़े टुकड़े करती हूँ। अब ना तो तू इन गांव वालों का विश्वास जीत पावेगी और ना ही इलेक्शन।